मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। जो दूसरा अनुप्रयोग है वो क्या है, लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है, परंतु किसके नियम की सहायता से बेटा, एम्पियर के नियम की सहायता से। आपके पास अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करके प्रॉपर तरीके से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं बेटा, किस प्रकार से एम्पियर के नियम की सहायता से हमें बेलन के निकट विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है। कुल चार बिंदुओं पर गणना करनी है। जैसे मान लिया कि ये एक चालक बेलन है, ये चालक बेलन है हमारा, इस चालक बेलन के अंदर ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी बेटा, आई। ये विद्युत धारा आई है और ये इस चालक बेलन का क्या हो गया बेटा, अक्ष। इस अक्ष से विभिन्न दूरियां हैं, मान लेते हैं यहां एक बिंदु है कितना, पी वन। तो आप क्या बोलोगे कि ये बिंदु पी वन इस चालक के बाहर स्थित है, तो ये बिंदु जब बाहर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु यहां ज्ञात करेंगे। दूसरा, अगर बिंदु यहां पे है तो हम बोलेंगे ये बिंदु चालक की कहां है बेटा, सतह पे। तो सतह पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ये बिंदु कहां कहलाएगा बेटा, इसके अंदर। तो चालक के अंदर यदि बिंदु है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो ज्ञात करेंगे, और उसके बाद इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। तो कुल हमें कितने केस पढ़ने बेटा, इसके चार। तो इन चारों बिंदुओं पर एम्पियर के नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। यदि आपने एम्पियर का नियम नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ें, उसके बाद इसके एप्लीकेशन को समझें, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने एम्पियर के नियम को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है और उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने वाले हैं आपके पास। तो प्रथम केस क्या है, जब बिंदु P चालक के बाहर स्थित हो, के बाहर स्थित हो, ठीक है। तो आपके पास एक चालक बेलन दिया गया है, ये ना मेरा चालक बेलन। इस बेलन का ये क्या बता दिया बेटा हमने, अक्ष। इस बेलन की त्रिज्या कितनी मान ली बेटा, कैपिटल आर। इसका केंद्र कितना मान लेते हैं, ओ, और केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी के ऊपर बाहर की ओर बिंदु कितना है, पी। इस चालक के अंदर जो धारा बह रही है उस धारा का कुल मान कितना है बेटा, आई। ये जो धारा बह रही है कितनी धारा बेटा, आई धारा बह रही है। ये तो सबको पता होगा कि चालक में धारा कहां बहती है, ये आपके पास बेलन है, मार्कर मेरा। ये बेलन का क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इस पूरे क्षेत्रफल में क्या बहेगी बेटा, धारा बहेगी। तो ये धारा कितनी है, आई। हमें किसके नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब एम्पियर का नियम आपको यहां लगाना आना चाहिए। तो एम्पियर का नियम किस प्रकार से लगाएंगे बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बंद एम्पियर लूप की कल्पना करनी है। और पहले भी बताया है कि अगर आपके पास सीधा चालक तार हो, चालक बेलन हो, या फिर आपके पास टोराइड हो, ये तीन में से कोई भी होगा तो एम्पियर लूप कैसा बनेगा, वृत्ताकार। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से गुजरता हुआ एक वर्ताकार एम्पियर लूप मान लेंगे। ये मेरा एम्पियर लूप आपके पास हो गया, कौन है बेटा, ये एम्पियर लूप, ये एम्पियर लूप है आपका, ठीक है। तो पहला काम हमारा हो गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, बंद एम्पियर लूप। तो ये मेरा बंद एम्पियर लूप मैंने मान लिया। अब मुझे इस एम्पियर लूप पे क्या अज्यूम करना है, एक अल्पांश लंबाई मुझे माननी है, अर्थात डीएल। तो जिस बिंदु पे मुझे ज्ञात करना है, इस बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो यहां पे मैं एक अल्पांश लंबाई काट लेता हूं।
वो अल्पांश लंबाई कितनी है बेटा? dl वेक्टर आपके पास। उसके बाद हमें क्या बताइए बेटा, उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो बिंदु P पर मैंने क्या खींची बेटा, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। तो दो काम देखो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारे काम कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने एक बंद एम्पियर लूप माना जो कैसा है आपके पास, वृत्ताकार। फिर मैंने एक अल्पांश लंबाई काटी कितनी, dl वेक्टर। उसके बाद मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र लिया, उसकी दिशा बताई, और दिशा के लिए मैंने क्या लगाया बेटा, स्पर्श रेखा बना दी। अब इनके मध्य का कोण चाहिए, क्योंकि जब ये डॉट मैं आगे हटाऊंगा तो क्या आएगा, cos थीटा। और cos थीटा में जो थीटा कोण है वो क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई के बीच का कोण है आपके पास। तो B वेक्टर और dl वेक्टर के मध्य का कोण कितना, थीटा। और चूंकि जिस दिशा में dl है उसी दिशा में B वेक्टर है, तो इनके मध्य कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री आपके पास। म्यू नॉट कांस्टेंट है तो कुछ नहीं कर सकते। समीशन आई क्या बताई थी मैंने, अगर याद हो तो समीशन आई मैंने बताया था एम्पियर लूप के अंदर की कुल धारा। तो देखो ये एम्पियर लूप है, ये एम्पियर लूप, इसके अंदर चालक बैलन रखा है और बैलन में धारा कितनी बह रही है, आई। और ये आई ही एम्पियर लूप के अंदर की कुल धारा है, अर्थात यहां पर समीशन आई का मान कितना रखा जाएगा बेटा, आई रखा जाएगा। यहां तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया, केवल इस समीकरण को मैंने यहां अप्लाई किया है, आगे भी इसी तरीके से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट। समीशन आई का मान कितना लिया मैंने, आई आपके पास, ये कितना हो गया आई। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा, समाकलन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। समाकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा है, dl के सापेक्ष। तो ये b क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कहां आ जाता है बेटा, बाहर। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो यहां क्या बच गया, 1। तो समाकलन क्या कर रहे हैं, 1 dl। अब आपको याद हो तो हम इस 1 dl की यहां क्या रखते हैं बेटा, लिमिट, सीमा। लिमिट किसे रखते हैं, यहां रखी जाती है इनिशियल प्रारंभिक मान, और यहां रखते हैं बेटा फाइनल। अब एक चीज सोचो, आपने dl कहां माना, सर इस एम्पियर लूप का छोटी सी लंबाई क्या है, dl। तो इस एम्पियर लूप को मैं यहां बना देता हूं, यह है एम्पियर लूप जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, और यहां पे एक छोटी सी लंबाई आपने कितनी मानी, dl। प्रारंभ में एक छोटी सी लंबाई ही काटोगे तो प्रारंभ में इस छोटी सी लंबाई का मान कितना होगा, 0। बहुत छोटी है इसलिए मैं कितना ले रहा हूं, 0 आपके पास। तो प्रारंभिक dl तो कितना ले लेना बेटा, 0। फाइनल अंतिम कितना, अब देखो dl का क्या कर रहे हैं, समाकलन। और समाकलन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। तो ऐसा करो, बहुत छोटे छोटे dl काट लो, ये सारे dl मैंने काट लिए, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे जब dl लूंगा और इन सबको जोड़ूंगा, सब dl को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, समाकलन, और जोड़ूंगा तो बताओ एक वृत्त का निर्माण होगा कि नहीं होगा, होगा। और अगर वृत्त का निर्माण होगा तो अंतिम लंबाई क्या आएगी, इसकी परिधि। भाई जब वृत्त बन जाएगा तो पूरी लंबाई मिलकर क्या बनेगी, परिधि। इसलिए इस dl की अंतिम लिमिट क्या रखोगे, 2πr, जो कि इसकी क्या है, परिधि आपके पास। तो ये लिमिट हमने पुट कर दी, अब तो केवल लिमिट आपको ओपन करनी है मैथमेटिकली। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, 1 dl का समाकलन कितना होता है, l, 0 से कितना, 2πr, ये लिमिट चल रही है, म्यू नॉट आई। लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात इस l की जगह पहले क्या रखेंगे, 2πr, फिर माइनस लगाएंगे और l की जगह क्या रख देंगे, 0। तो b l की जगह रखा 2πr माइनस 0 म्यू नॉट आई। मुझे बताओ माइनस 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं, तो हटा दो, कोई मतलब नहीं, ये लो। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, म्यू नॉट आई
अपॉन 2πr। ये चुंबकीय क्षेत्र आया जब बिंदु कहां स्थित था बेटा, बाहर। बाहर को बोलते हैं आउटसाइड, इसलिए बोल देंगे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, बाहर का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका फॉर्मूला मैं साइड में लिख लेता हूं, क्योंकि आगे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये फॉर्मूला मुझे रिक्वायर्ड होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये बाहर का चुंबकीय क्षेत्र आपके पास आया। एक बार यहां तक के हिस्से का आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे पढ़ाऊं मिटा दूं, ठीक है। ये देखो अब दूसरा केस पढ़ेंगे, बहुत आसान है। दूसरे केस में क्या होगा कि आपके पास जो बिंदु है वो कहां आ जाएगा बेटा, बाहर से उठकर सतह पर, और पूछेगा कि बताओ सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो केस नंबर सेकंड क्या है, जब बिंदु P चालक के बाहर नहीं, कहां स्थित हो बेटा, सतह पर स्थित हो, तब क्या होने वाला है। ये चालक है आपका, ठीक है, बैलन। ये चालक का क्या बनाते हैं बेटा हम लोग, अक्ष। ये इसकी क्या बनाते हैं, त्रिज्या। और इसमें बहने वाली धारा का मान कितना है, आई आपके पास है। केंद्र कितना लेते हैं, ओ। और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो इस बार कहां है बेटा, सतह पर। चालक की कहां आ गया, सतह पर। ओ और पी के मध्य की दूरी कितनी लेते हैं, स्मॉल आर। अर्थात जब बिंदु सतह पर आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये स्मॉल आर दूरी और ये कैपिटल आर जो कि बैलन की त्रिज्या है आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। अर्थात सतह की स्थिति में स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा आपके पास। तो बस फॉर्मूला जो हमने पहले बाहर के लिए निकाला था उसमें भी केवल इसको चेंज करना है, तो आपके सतह के चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बन जाएगा, सतह पे कितना होगा, म्यू नॉट आई 2πr। देखो एज इट इज स्मॉल आर की जगह आप क्या लिख देंगे बेटा, कैपिटल आर। तो सतह है जिसको हम बोलते हैं सरफेस, इसलिए इसको बोला गया सरफेस मैग्नेटिक फील्ड, सतह का चुंबकीय क्षेत्र आपके पास। तो सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आता है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। डायरेक्ट लिखना है हमें तो इसको याद रख लेंगे, सतह पे कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr कैपिटल आर। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं, ठीक है। अब केस नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और वो ही पढ़ने के लिए ये डेरिवेशन दी गई है मेरे हिसाब से। तो केस नंबर 3 क्या है वो ध्यान देना। केस नंबर 3 ये था जब बिंदु P चालक के अंदर स्थित हो आपके पास। यदि बिंदु P चालक के अंदर होगा तो क्या होगा आपके पास, ध्यान दीजिए। यह है हमारा चालक, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये चालक है और ये इस चालक की क्या है, त्रिज्या, कितनी, कैपिटल आर। ये इसका क्या हो गया बेटा, अक्ष। और ये है इसका केंद्र बिंदु कितना बेटा, ओ। इसके अंदर की ओर बिंदु कितना है बेटा, पी। ये लो स्मॉल आर दूरी पे एक अंदर की ओर बिंदु कितना मान लिया, पी। इसमें बहने वाली धारा का मान, ये धारा बह रही है, कितनी धारा बेटा, आई। सॉरी बेटा, ये कितना बेटा आपके पास, स्मॉल आर। हमें क्या ज्ञात करना है, जब बिंदु P चालक के अंदर स्थित हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो, एम्पियर का नियम करो। एम्पियर का नियम कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर r इक्वल टू म्यू नॉट समीशन i आपके पास है, परफेक्ट, ठीक है। अब एम्पियर का नियम लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, एक बंद एम्पियर लूप, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब यही है। तो ऐसा करो, इस बिंदु P से गुजरता हुआ एक बंद एम्पियर लूप मान लो,
ये मेरा क्या है, बंद एम्पियर लूप, बंद एम्पियर लूप आपके पास है, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं बेटा, इस लूप के ऊपर क्या मानते हैं, एक अल्पांश लंबाई डीएल काटते हैं। तो इस बिंदु पी के ऊपर एक अल्पांश लंबाई डीएल काट लो, ये रहा डीएल वेक्टर। उसके बाद क्या बताएंगे बेटा, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बताते हैं, मैंने पहले ही बताया फिर से बता रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां कैसे बताएंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे बेटा, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा है जो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब बताओ डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समान दिशा में है क्या, यस, अर्थात इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, जीरो डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना होगा, जीरो। तो बी वेक्टर बता दिया, डीएल वेक्टर बता दिया, इनके मध्य डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आएगा, और इस थीटा का मान भी बता दिया कितना, जीरो। अब मैंने कहा था ना कि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों सुनना, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। समीशन आई क्या बताई थी मैंने, समीशन आई मैंने बताया था बंद एम्पियर लूप के अंदर की कुल धारा, के अंदर की कुल धारा आपके पास है। अब समीशन आई कैसे निकाला, एक चीज सोचो, ये धारा ऐसे बह रही है, इस धारा को आगे बढ़ाओ, चलो मैं आगे बढ़ा देता हूं, ये लो ये धारा मैंने आगे बढ़ा दी। मुझे बताओ अगर इस आई धारा के मैं चार मान मानता हूं तो क्या ये चारों मान इस बंद एम्पियर लूप के अंदर से गुजर रहे हैं क्या, नहीं ना, कितने गुजर रहे हैं, केवल दो मान गुजर रहे हैं। तो मुझे कैसे पता लगे कि इस बंद एम्पियर लूप में कितनी धारा जा रही है, वो मैं कैसे याद करूं, अर्थात जब तक बिंदु बाहर था सतह पे था तब तो समीशन आई का मान टोटल कितना मान लेते थे, आई, बट अब समीशन आई का मान आई नहीं होगा, आई से कुछ क्या होगा, कम, और ये समीशन आई निकालना ही यहां इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो आई कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक जनरल सा मैं एग्जांपल देता हूं, सुनना, आप खुद बताओगे सर मुझे क्या क्या करना है। देखो इधर थोड़ा नीचे बना देता हूं ताकि फिर मुझे लैंग्वेज लिखने में आसानी रहे, ध्यान देना बेटा, ये बेलन है एज इट इज, ये धारा बेरी है, ठीक है, मान लेते हैं ये जो धारा बेरी है इसका मान है 20 एम्पियर, कितना है 20 एम्पियर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये धारा बह कहां रही है, सर ये धारा इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में बेरी है। तो ऐसा करते हैं इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बता देते हैं, और ये क्षेत्रफल मान लेते हैं आपके पास 10 मीटर स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 10 मीटर स्क्वायर के अंदर कितनी धारा बेरी है, 20 एम्पियर। तो एक मीटर स्क्वायर में कितनी बहेगी, 20/10 काट दो, अर्थात 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये धारा बहेगी आपके पास। अब ध्यान दीजिए यहां पे, ये तो हमने ये निकाला, अब मुझे क्या निकालना है आपके पास कि इसके अंदर एक छोटा सा गोला मान लेता हूं, इस गोले का क्षेत्रफल, इस गोले का सॉरी गोला नहीं माना मैंने, ये छोटा सा क्या मान लिया बेटा, इसके अंदर वृत्त आपके पास है जिसमें धारा बहेगी, और इस वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बोल दिया 4 मीटर स्क्वायर है, कितना है 4 मीटर स्क्वायर। तो मुझे बता सकते हो कि इस अंदर वाले वृत्त में कितनी धारा बहेगी, सर बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी बहती है, 2 एम्पियर। तो 4 में कितनी बहेगी, सर इसके अंदर वाले में बहेगी, 1 में बहती है 2, तो 4 में कितनी बहेगी, 2×4 बराबर कितना, 8 एम्पियर आपके पास। अरे बहुत आसान सी बात कह रहा हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि 10 रुपये में 20 टॉफी आती है, तो 1 रुपये में कितनी आ रही है, 2 टॉफी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि बताओ आपके पास 4 रुपये हैं, अर्थात 4 मीटर स्क्वायर, उसमें कितनी आएगी, तो आपको पता है 1 रुपये में 2 आती है, तो 4 रुपये में कितनी आएगी, 8। यही काम मैंने यहां किया। अब ये काम जो मैंने यहां किया उसको एज इट इज मुझे इस पे अप्लाई करना है, तो वो कैसे करूंगा, देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कुल धारा पे मैंने यहां बता दी कितनी है, आई, ठीक है, अर्थात 20 एम्पीयर का काम कौन करेगा, आई करेगा। फिर मैंने बताया इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना, 10 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होगा,
ये आपके पास बेलन है और इस बेलन की आकृति कैसी है? ये आकृति है वृत्ताकार, तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका आपके पास? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको 10 मीटर स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? पाई आर स्क्वायर कर रहा है। उसके बाद आपने क्या किया, इकाई क्षेत्रफल में कितनी धारा बहती है वही तो निकाला। तो हम यही निकालेंगे कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में आई धारा बहती है, धारा का प्रवाह होता है। तो इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर में आई, तो इकाई में कितनी बेटा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये किसका मान है? ये मान है बेटा इसका, मतलब कि 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? आई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया था, अंदर की एक वृत्त माना था। ये मेरा अंदर का वृत्त है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, बंद एम्पियर लूप कह रहा हूं। फिर मैंने क्या बताया था, इस वृत्त का क्षेत्रफल मुझे बताओ, इस वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर, तो क्या इस एम्पियर लूप का क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? यस, तो हम बोलेंगे एम्पियर लूप का क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो भी वो वर्ताकार है। उसके बाद इस एम्पियर लूप में बहने वाली धारा कैसे निकाली थी? सर इकाई में कितनी बहती है वो गुना इसका क्षेत्रफल, तो आपके पास इस एम्पियर लूप की धारा आ जाएगी। तो इकाई में हमारी कितनी बहती है? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और लूप का क्षेत्रफल कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इन दोनों मान को गुणा करोगे तो इस एम्पियर लूप की कुल धारा आएगी। तो हम बोलेंगे अब बेटा एम्पियर लूप में बहने वाली कुल धारा जिसको हम क्या बोलते हैं, समीशन आई। इस समीशन आई का मान कितना होगा? इकाई में कितनी है? आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणा इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा आपके पास? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। अब बताओ आपका मान क्या बचा, तो समीशन आई का मान आप निकाल चुके हो कितना, समीशन आई बराबर आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है बेटा। हमारा समीकरण पूरा सोल्व हो गया, हमें बी पता है, डीएल पता है, और समीशन आई का मान भी यहां ज्ञात कर चुके हैं। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, डॉट हटाऊंगा बेटा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना लिया मैंने 0 डिग्री, बराबर म्यू नॉट समीशन आई, और समीशन आई का मान कितना निकाला बेटा, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? 1। ये लोग गुणा में क्या कर लेते हैं, 1, 1 को गुणा करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, डीएल, और डीएल के सापेक्ष बी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर, बी बाहर। समाकलन ऑफ 1 डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां पे डीएल के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसलिए यहां डीएल की लेंगे इनिशियल लिमिट और यहां क्या लेंगे, फाइनल लिमिट। रखना तो आता होगा क्योंकि वृत्त है, तो वृत्त का प्रारंभिक लंबाई कितनी होगी, 0, और अंतिम लंबाई क्या होगी बेटा, उसकी परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। आपके पास 1 डीएल का समाकलन कर लो, 1 डीएल का समाकलन है एल, 0 से 2 पाई आर इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी एल की जगह 2 पाई आर माइनस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। माइनस 0 का मतलब है क्या, नहीं, हटा दो, ये हटा दिया सर। अब बताओ क्या बचा, एक आर से एक आर तो काट ही सकता हूं, काट दिया, मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए, तो बी बराबर 2 पाई नीचे चल जाएगा, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आया चुंबकीय क्षेत्र का मान। कब, जब बिंदु P चालक के क्या था बेटा, अंदर,
अंदर को क्या बोलते हैं, इनसाइड। इसलिए इनसाइड का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल R²। यहां पे चीज समझो कि जो अंदर का चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दूरी के साथ कैसा संबंध रखता है, समानुपाती का संबंध। तो ये समानुपाती होता है किसके, स्मॉल आर के। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एरिया बेटा स्क्रीनशॉट रफ कर दूं। अब इसका चौथा केस पढ़ेंगे बेटा हम लोग, बहुत आसान है वो। तो चौथा केस कहां था, जब बिंदु पी कहां पे हो इसके बेटा, केंद्र पर। बिंदु पी कहां पे हो, केंद्र पर। ठीक तो जब बिंदु पी, चौथा केस है, चालक के केंद्र पर स्थित हो। अगर केंद्र पर स्थित होगा तो क्या होगा, खुद सोचो। सर ये है बेलन, ये बेलन की त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर। ये इसका क्या बना बेटा, अक्ष, केंद्र बिंदु ओ, और बिंदु पी भी केंद्र पे ही आ गया, तो ओ और पी के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ओ और पी दोनों एक ही जगह पे स्थित है आपके पास, तो इनके मध्य की दूरी कितनी बेटा आपके पास, 0 हो गया। अगर मध्य की दूरी 0 है तो अंदर के किसी भी बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र इस सूत्र के अनुसार परिवर्तित होगा। अंदर चाहे से यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे केंद्र पे निकालो, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या देगा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर 2 पाई कैपिटल R² है। परंतु केंद्र की स्थिति में स्मॉल आर का मान क्या रखा जाएगा, 0। तो स्मॉल आर का मान जब 0 रख दूंगा तो ये पूरा मान भी कितना हो जाएगा, 0। अर्थात केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, 0 आता है। तो एक बार इसको भी आप नोट कर लें, फिर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं बेटा, वो इंपॉर्टेंट है समझना ग्राफ को। ध्यान दीजिए, हमने इनसाइड का चुंबकीय क्षेत्र निकाला, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल R² ये अंदर का था, और केंद्र पे हम निकाल चुके हैं कितना होता है, 0। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो ध्यान दें। तो ग्राफ जो बन रहा बना रहे हम लोग, वो बना रहे हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र B तथा दूरी, दूरी कौन है, स्मॉल R के मध्य ग्राफ बना रहा हूं। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, ये आपने बेलन लिया था, ठीक है, इस बेलन की त्रिज्या कितनी बेटा, कैपिटल R। जब आप केंद्र पे थे, कहां थे बेटा, केंद्र पर, तो दूरी कितनी थी, 0। तो अर्थात दूरी 0 से स्टार्ट होगी तो आप कहां स्थित होंगे बेटा, केंद्र पर। फिर आप यहां थे, ये बिंदु इसके कहां था बेटा, इनसाइड, अंदर। और जब अंदर होंगे तो स्मॉल आर का मान इस कैपिटल आर से तो क्या होगा, छोटा ही होगा। अर्थात स्मॉल आर का मान अगर कैपिटल आर से छोटा है तो आपका बिंदु कहां स्थित है, अंदर है। उसके बाद आपने कहां ज्ञात किया था चुंबकीय क्षेत्र, सतह पर। जब सतह पे आ जाते हैं तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, मतलब कि कहां आ गए आप लोग, सतह पे आ गए। और उसके बाद अगर आप कहां चले जाते हो बेटा, बाहर। जब आपका बिंदु बाहर स्थित होगा तो स्मॉल आर का मान बड़ा हो जाएगा इसके बेलन की त्रिज्या से। तो स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, मतलब कि आप कहां स्थित है बेटा, बाहर किसी बिंदु पर स्थित है। अब चुंबकीय क्षेत्र देखो, ये कहाँ है, केंद्र पर, और केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बेटा, 0। ठीक है, अभी मैं ऐसा मान रहा हूं कि सतह पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र है, इतना सतह पर इतना चुंबकीय क्षेत्र ऐसा मान लो, ताकि हम सतह से पहले का ग्राफ बना सकें और सतह के बाद का ग्राफ बना सकें। अब देखो, सतह से पहले अंदर स्थित बिंदुओं पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दूरी के साथ कैसा संबंध रखते हैं, समानुपाती का। अर्थात ग्राफ जो चलेगा बी इनसाइड दूरी के साथ क्या होता है, समानुपाती। और समानुपाती का ग्राफ सबको पता है कैसा आता है बेटा, एक सीधी रेखा। और अगर आप बाहर चले गए, बाहर स्थित बिंदुओं पे दूरी के साथ संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बाहर स्थित बिंदुओं पे देखो, ये सतह है, सतह से कूदते ही
आप बाहर निकल जाओगे तो बाहर स्थित बिंदु पे जो दूरी के साथ संबंध है वो कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का, इसलिए ग्राफ ऐसा आया। और ये बिंदु हमने कहाँ माना था? सरफेस का। अगर ग्राफ देख के पता लगे कि अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, तो ये इसका पीक पॉइंट है, अर्थात जो सतह का चुंबकीय क्षेत्र है वो ही इसका क्या है बेटा, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मान भी है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा।